श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिती शहीद हेमू कॉलनी जरीपटका नागपूर तर्फे हनुमान मंदिरातून मंगळवारी वाजत गाजत शोभायात्रा काढण्यात आली. या मिरवणुकीत विविध चित्ररथासह सजीव देखावे आकर्षणाचे केंद्र ठरले होते. सकाळी हनुमानजीची पूजा करण्यात आली, त्यानंतर पंचोपचार पूजा करून भव्य महाप्रसादाचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रम है जो भगवान श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद में आया है. एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर में हमको देखने के लिए मिल रहा है. पूरे देश में भगवान हर चाहिए है. हर कार्यक्रम पिछले बार से बढ़ चढ़ कर जोर शोर से हुआ जा रहा है और लोग बहुत खुश है. इतनी खुशी मुझे देखने के लिए मिल रही है जो आज तक मैंने नहीं देखी थी. हर क्षेत्र हर कॉलोनी लोगों ने सजाई है. हमारे हनुमान जी का जन्म का दिन बड़े धूमधाम से देश के अंदर में मनाया जा रहा है. मैं इतना ही इस मौके पर हमारे जो हमारे वरिष्ठ गण है उनसे निवेदन करूंगा, रामायण का जो हमको उस समय में बचपन के अंदर में टीवी के अंदर में दिखाया गया था, हमारे बच्चों को भी सनातनी संस्कृति दिखाने के लिए वह रामायण हमको घर घर में दिखानी चाहिए. प्रभु श्री राम जी के किए हुए कार्य और पवन पुत्र हनुमान जी के किए हुए कार्य लोगों तक के पहुंचने चाहिए. जब 500 साल का हमारे प्रभु राम जी का वनवास खत्म हुआ और हमारे स्थान में आज वो अयोध्या में बैठे हुए हमारे राम और उन्हीं के भक्त, उन्हीं को आज उनका जन्मदिन है. मैं सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वैसे ही हमेशा यहाँ पे दौलत भैया हमेशा सभी 40 साल से यहाँ कार्यक्रम कर रहे और अच्छी उनकी कमेटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ. हमेशा इसी कार्यक्रम करते रहे और हिंदू धर्म को जगाते रहे और बढ़ाते रहे. धन्यवाद. आज जो हनुमान जन्मोत्सव हुआ है इतिहास गवाह है उसका, क्योंकि राम जन्मभूमि में हमारे राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुई है. मेरे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुई है जिसका मैं गवाह हूँ. तो इससे अच्छा और शुभ दिन और मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है ये. क्या क्या आज कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम सवेरे हवन पाठ हुआ, दोपहर को महाप्रसाद हुआ, अभी शोभा यात्रा है. यही प्रोग्राम.